सो दोस्तों असी जिहड़ा मोदी गवर्नमेंट ने स्टेट के अधिकारां दे उत्ते वड्डा डाका मारिया, साडा देश फैडरल सिस्टम देश हैगा, संघी ढांचा देश, डॉक्टर भीम राव अंबेदकर साहब संविधान बना के गए आ कि किते कोई कुड़त्तण केंद्र ते राज्यां च पैदा ना होवे, संबंधां दे विच कोई फर्क ना आवे। वह केंद्र दीयां शक्तियां ते राज्यां दीयां शक्तियां किहड़े विषय दे उत्ते केंद्र कानून बना सकदा, किहड़े विषय ते राज सरकारां कानून बना सकदियां ने। जिहड़े काम लई असीं विरोध वास्ते तुरे हाँ, सोमवार तो दरबार साहब मत्था टेकया, अकाल तख्त साहब अरदास बेनती करके जलियांवाला बाग नतमस्तक हो के पहली रात ब्यास रुके, दूसरी रात जलंधर, तीसरी रात अज भगत सिंह होरां दे जद्दी पिंड खड़कड़ कलां। विशा की है? खेती सुधार ऑर्डीनेंस। सत्तवें संविधान के सत्तवें शड्यूल की चौदहवीं एंट्री दे विच स्पष्ट कि खेतीबाड़ी के उत्ते कानून बनाउण दा अधिकार सिर्फ सूबा सरकार कोल आ। सत्तवें शड्यूल की पच्चीवीं धारा दे विच स्पष्ट लिखा कि मंडीकरण के उत्ते कानून बनाउण दा सोध करन दा अधिकार सूबा सरकार कोल आ। मोदी ने ऑर्डीनेंस पास करता खेती सुधारां दे नाम दे उत्ते। अफसोस आ, कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोध कर रहे हैं पर लोग दिखावे का विरोध हो रहा। जन अंदोलन कहते असी करांगे। मैं उन्होंने याद दवाना चाहना भी तुहाडी सरकार लोगों ने एबसोल्यूट मजोरिटी दे विच तुहाडे MLA जिता के तुहानू सरकार बना के दित्ती। पहला काम तुहाडा जिहड़े मंग लई असी चंडीगढ़ जा रहे हैं वो हैगी आ भी तुसी विधानसभा का तुरंत सैशन कॉल करो, हंगामी बहुत समती। तुसी भी मानते हो कांग्रेस के मुख्यमंत्री होने के नाते जाखड़ साहब की स्टेटमेंट भी असी विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, लोक इंसाफ पार्टी, असी सारे विरोध से खड़े हैं। बहुत संपत्ति के नाल इस काले ऑर्डीनेंस नूं, पंजाब नूं तबाह करन वाले ऑर्डीनेंस नूं खत्म कर दिओ, रद्द कर दिओ, सेंटर नूं भेजो भी ये तुहाडा अधिकार नहीं, ये स्टेट का अधिकार सीगा। इहदे नुकसान की होने आ? जे मैं नुकसानां दी गल करां, आपां मंडी दे अंदर खड़े हां, तुसीं ऑर्डीनेंस पढ़ के देखियो, ये ज्यूरिडिक्शन बनती भी मंडी की बाउंडरी, मंडी की बाउंडरी अधिकार खेत्र आ। मार्केट कमेटी के नाल पहलां 50 तों 100 पिंड हैगे आ, किसी मार्केट कमेटी ना 50 आ, किसी ना 60 आ, 70 आ, 100 आ, ये खत्म हो गई कहानी सारी। ये बाउंडरी यदि ज्यूरीडिक्शन हुण दसो भी ये शैड मंडी हुंदा? अगले साल तो होना की है, लॉस मैं गणाउण लग्या 4000 करोड़ रुपये का साडा लॉस हैगा। RDF जिहनूं रूरल डिवेलपमेंट फंड कह दें, जिहड़ियां पिंडां दीआं लिंक सड़कां 9000 किलोमीटर इत्थे जिहड़ा RDF लगदा, टैक्स लगदा, खरीददार तो उगराया जांदा, उहदे जरिए बनदियां ने। सरकारां दे हालात कैसे आ? स्टेट सड़कां दे उत्ते पैच नहीं लगते। दूजा वड्डा लॉस 25,000 आड़तीए, तकरीबन 55-56,000 मुनीम ते मसद्दी उहनां दे, अर लखां दी गिणती च तोले पल्लेदार छोटे ट्रांसपोर्टर बेरोज़गार होणे आ, मार्केट कमेटी दे मुलाज़म बेरोज़गार होणे आ। हुण होणा की इहदे नाल? बहुत सारे लोग ये मन्नण नूं जिहड़े बादल रौला पाउंदे आ वी यार बादल तां कही जांदा वी MSP जाणी किते नहीं। मैं भी मान लैंदा भी MSP कितें नहीं जानी, MSP रहेगी। MSP की हैगी आ? मिनीम सपोर्ट प्राइज की हैगा? उहदी जिउंदी जागदी मिसाल सरदार तीरथ सिंह खड़िया। मैं इसे करके मंडी च आया, मक्की पई है, MSP निर्धारित होई 1850 रुपये क्विंटल, दालों के उत्ते MSP निर्धारित कर दी आ सरकार। पर अफसोस है कि वह निर्धारित भाव के अनुसार, आप पुछ लो तीरथ सिंह तो की भाव तुहाडा कह रहा व्यापारी, 750 रुपया, 1850 MSP फिक्स की सरकार ने, पर कोई खरीद एजेंसी सरकारी इतने आई नहीं मक्की खरीदने वास्ते। यही हाल दालों का हैगा। हुण रह गई 3 फसलां दोस्तों, वो फसलां केड़ियां? 3 ने, 3 फसलां है कणक, चौल ते कपाह। वो MSP के अनुसार खरीदियां, माऊ लड़दे आ सरकार दे भी वह MSP असी तोड़िए किहड़े तरीके नाल। ये जिहड़ा ऑर्डीनेंस आया ये अगले साल तो अडानिया ने दोस्तों कारपोरेट वड्डिया ने ये फसलां खरीदनिया शुरू करनिया ने, चावल, कणक, कपाह जिहड़ियां मुख फसलां साडियां। तुसीं मोगे तो फिरोजपुर जाओ, डगरू पिंड आउंदा 2500 एकड़ दे विच अडानिया दा मकैनिकल खरीद केंद्र जिथे रेलवे की लाइन अंदर जाती है। ऑर्डीनेंस हुण जारी होया चंद दिन पहलां, तो वह पिछले 3 सालों तो 2500 एकड़ दे विच अडानिया दा मकैनिकल खरीद केंद्र रली मिली साजिश, क्योंकि वह लोग आ जिहड़े मोदी नूं इलैक्शन लड़ाउंदे आ, ये कारपोरेट वो ने जिहड़े सारा इलैक्शन का खर्चा बेयर करते हैं। होना हुण ये आ अगले साल तो जो काम मक्की का हो रहा ना मंडी दे विच, तुसीं लाइव देख लिया, किसान की हड्डबीती लाइव सुन ली, अगले साल मेरी गल नोट करके रख लियो, मैं झूठा होवां मैनू नीवी जगह बिठा के सजा दे दियो। ये कणक ते चावल का हाल भी यही होना पंजाब के अंदर, अद्धे पौने पाते किसानों जाग जाओ तुसीं।
आरती भीरो कामियो जिहड़े दलित वीर हैगे जागो सारे जाने वोटां जिहनूं मर्जी पा लिओ पर जाग जाओ अद्धे पौणे भावां ते तुहाडी कणक ते चावल खरीदणे इहनां ने तुहानूं नहीं देणे दो दो तीन तीन साल पैसे जिहड़े मेरे वीर गन्ना बीजदे आ ना उह हैगी आ इक सहायक फसल साडी गन्ना प्राइवेट मिल मालकां तों तुहाडे दो दो तीन तीन साल पैसे नहीं मिलदे जे सरकारां एडियां ताकतवर आ इहनां मच्छियां तों जिहड़े प्राइवेट गन्ना मिल मालक दे हैगे आ मालक गन्ना मिलां दे मालक उहनां तों इहनां दे पैसे दवा देवे हुण कित्थे प्राइवेट गन्ना मिल मालक ते कित्थे अडानी अडानी तों पैसे दवा लैणगे अडानी अद्धे पौणे भाअ दे उत्ते झोना कणक ते कपाह खरीदेगा दो दो तीन तीन साल पैसे नहीं देगा पंजाब दा ओह किसान 75% तों 80% जिहड़ा मध्य वर्गी ते छोटा जिहड़ा किसान बैंकां दे कोले अपनी जमीन गिरवी रखी बैठा जदों दो तीन साल दोस्त पैसे ना मिले फिर होणगियां कुरकियां फिर अडानी वर्गे कारपोरेट बैंकों वाले ना संगठन नैक्सस बना के कौडिया के भाव से किसानों की जमीन खरीदने वास्ते ये ऑर्डीनेंस आया ये खुफिया रस्ता तूतों वाला खूह नावल असी पढ़िया जो स्कूल पढ़ते सके मेरे दोस्त हम उम्र लोगों ने पढ़िया होगा एक शाहूकार किसान की जमीन हथियाने वास्ते की करता ये ऑर्डीनेंस वो चीज़ हैगी है। अज सुखबीर बादल अकाली दल का प्रधान वो पार्टी जी मुढ़ कदीम तो राज्यों के अधिकार की रखवाली रही है तो अज वह प्रधान अपनी तीवी की बजारत बचाने वास्ते इस काले कानून का जोड़ा राज्यों के अधिकारों के उत्ते वड्डा डाका वह समर्थन कर रहा मेरा सवाल है उन्होंने कि तू इस गल का जवाब दे कि राज्यों का अधिकार सी है या नहीं है भारतीय संविधान के आर्टिकल 7वें शड्यूल की 14वीं एंट्री तो 25वीं एंट्री है या नहीं है। सो किसान वीरो तकड़े होकर पैरा ला दौ जे बचना इन्हों कारपोरेट तो आ थोड़ी कणक थोड़ा झोना अगले साल मेरी गल लिख के रख लियो हो सकता एक अद्धा साल कोई तुहानू 100-50 रुपये का लॉलीपॉप दे देण ये अद्धे पौने भावों से खरीदण दा ही ये काला कानून दोस्तों बनाया जा रहा विरोध करो डट के दा जो तुसी कर सकते हो करो आ हुण तुहाडे सामने MSP का मैं भोग पा के हटिया MSP की हैगी आ अगले साल मैं बादलों के गल की तस्दीक कर दिना MSP नहीं टुटूगी कणक ते झोने की कपाह की MSP रहेगी पर कोई सरकारी खरीद एजेंसी तुहाडा झोना कणक ते कपाह चक्कण नहीं आऊगी मंडियां दे विच तुसी मजबूरी बस जिवें 750 रुपये तुसी मजबूरी बस मक्की वेचण लई मजबूर हो 750 वाला भी नहीं आया ट्राली लैके चलो यही हाल थोड़ी कणक ते चौलां ते कपाह दा होना दोस्तों। सो जागरूक हो के एकजुट हो जाओ इस काले कानून का विरोध करो आपो अपने तरीके दे नाल आपो अपने पिंडां दे विच मीटिंगां करके एक यूनिटी पैदा कर दिओ वोटां जिन्हों मर्जी पा दिओ वोट जिन्हों मर्जी पा दिओ पर पंजाब की जे किसानी ना रही तो दोस्तों व्यापार नहीं रहना किसान दे गिजे जे पैसे आ ना कैश आ फिर सैकल बिकते स्कूटर बिकते मोटरसाइकिल कारा बिकदियाँ तो सोना बिकता बजाजी वाले दे कपड़े बिकते जे किसान कोले पैसे आ तो जे किसान कोले पैसे नहीं तो पंजाब दे व्यापार जिहड़ा तुरा खेतीबाड़ी आ पंजाब दा व्यापार भी खत्म होना। सो मेरी तुहानू सारयां नू सुनिम्र बेनती है जागरूक होकर नौजवान फार्मर्स खड़े आ जागरूक होकर पहरेदारी करो प्रचार करो तकड़े होकर तुसीं आपां कई वारी सोचदे आ वी यार मेरा प्रचार करना की होण लग्या सोशल मीडिया का युग गल है तुसी एक गल पाने हो ते तुहाडे नाल सैकड़े नहीं हज़ारां लोग जुड़ जाते हैं भी सही गल हैगी है एक लोक लहर पैदा कर दो इस काले कानून के बरखिलाफ ता जो किसान सरकारां मजबूर हो जाए कि असी इस काले कानून नू रद्द करना इस काला कानून जिहड़ा पंजाब दे विच लागू नहीं करना। बहुत बहुत थोड़ा धन्नवाद सारयां दा। पंजाब सरकार जिहड़ी है जिहड़ियां साडियां यादगारां ने इहनां नू प्राइवेट करन जा रही है इहदे ते की थर्मल प्लांट जिहड़ा बठिंडा दे विच 500 साला गुरु नानक साहब का तो बनाया गया 550 साल तो कहते ढा देना हूँ वो पिछे कहानी भी कारपोरेट की है लोक इंसाफ पार्टी चेतावनी दिंदी है जिहड़े बंदे मन के लड्डू भोरते हैं ना मूँह च पानी आया भी असी थर्मल प्लांट खरीदांगे तो उन्हें ढा के उत्थे कमर्शलाइजेशन करांगे मार्केटां बनावांगे असी किसी भी कीमत के उत्ते किसी प्राइवेट अदारे नूं थर्मल प्लांट का कब्जा नहीं लैण देवांगे बयाना दे देण बयाने डुब जाणगे इन्हां दे मैं चेतावनी दिंदा इन्हां व्यापारियों नूं जिहड़े सोचदे आ वी थर्मल प्लांट सरकारां नाल रल के कौडियां दे भाअ लै लईए तुहाडे बयाने डुब जाणे असी कब्जा नहीं होण देणा थर्मल प्लांट ते किसी भी कीमत दे विच हर रोज तेल दीआं कीमतां जिहड़ियां अप जा रहीयां आ इहदे ते की मोदी साहब डिक्टेटर बण गए मोदी साहब करोना 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 का रौला पा के लोगों नूं ऐसा गधी गेड़ च पाया होया किसी नूं बोलण जोगा नहीं छड्डिया तुसीं लॉकडाउन तो लैके अज तक तकरीबन 11 रुपये लीटर डीजल ते पेट्रोल महंगा हो गया कदे 98 महंगा करता कदे 80 पैसे महंगा करता रुपया तो चढ़ता ही नहीं गा पैसों के महंगा करता तुसीं लॉकडाउन तो लैके हुण तक
दस ग्यारह रुपये तो यह ढाई रुपये किसानों कैप्टन अमरिंदर सिंह छड़ दे एक कह दो भी ढाई रुपये जिहड़ा दूजे सूबे नालों महंगा लो किसान नूं डीजल दे उत्ते सबसिडी देती मैं ढाई वो छड़ दे जिहड़े वध वसूलदा कोई पांच सत्त कोलों पा दे फिर तो असीं मन्नीए भी ये किसान पक्षी आ लोक इंसाफ पार्टी राज्यां दे वध अधिकारां दी लंबड़दार आ जे पाणियां दी कीमत वसूली दे उत्ते विधानसभा दे अंदर हकूक लई पहरा दित्ता सत्तवें शड्यूल की सतारवीं एंट्री पंजाब दा अधिकार आ चाहे कुट खाणी पई जेल जाना पिया पर पास कराया एंड दिन आऊगा असीं रहीए ना रहीए दिन आऊगा जिदन साडे आउण वाली नसल पाणी की कीमत तो अमीरी लैके जाऊगी कि साडे स्टेट जिहड़ी अमीर हैगी आ किसे धर्म दे विच हैगा पंजाबी हिंदू आ सिख आ मुस्लिम पर पाणियां दे उत्ते अधिकार पंजाबियां दा सो असीं स्टेटां की लड़ाई लड़दे आ अधिकारां वास्ते एक किसानां की लड़ाई आ असीं तां इहनां नूं जागरूक करन वास्ते जिहड़ी यात्रा रखी है विधानसभा पहुँचांगे मुख्यमंत्री आवास पहुँचांगे मंग पत्र दे के आवांगे पहला साडा फेस हैगा दूसरा फेस असीं शुरू करांगे बॉर्डर तों फिरोजपुर वाले पासिओं तां कि लामबंदी करदे जाइए किसानां नूं जागरूक करके इहनां नूं यूनाइट कर दिए कि इह काला कानून सरकारां मजबूर हो जाण रद्द करन वास्ते।